लोहरदगा लोकसभा सीट में जिला प्रशासन की ओर से वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए बुजुर्ग और दिव्यांग वोटरों के लिए कई सुविधा बहाल की गई है, ताकि दिव्यांग और बुजुर्ग वोटर वोट देने से वंचित न रह जाएं। जिले के सभी बूथों पर रैंप और व्हीलचेयर की व्यवस्था के साथ दिव्यांग और बुजुर्ग वोटरों को मतदान केंद्र तक पहुँचाया गया। साथ ही वोट दिलाने के लिए अतिरिक्त वॉलंटियर की नियुक्ति की गयी, ताकि दिव्यांग और बुजुर्ग वोटरों को कोई परेशानी न हो और वे भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। साथ ही सभी बूथों पर मेडिकल टीम भी तैनात की गई थी। जिला प्रशासन की इस सुविधा से बुजुर्ग और दिव्यांग वोटरों में खुशी और मतदान करने को लेकर उत्साह देखा गया। ये 257-258 बूथ नंबर में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया जा रहा है। ये अलग अलग लाइन, यहाँ महिलाएं और पुरुष का अलग अलग लाइन के द्वारा मतदान दिलाया जा रहा है। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए अलग से व्यवस्था है। यहाँ रैंप और रेलिंग भी बना हुआ है, जिसमें दिव्यांग के लोगों के लिए मतलब अपना रैंप के व्यवस्था है, रैंप से वो जा सकते हैं, आराम से दे सकते हैं। मतदाताओं में बहुत उत्सुकता है। यहाँ काफ़ी भीड़, अब सवेरे से ही 7 बजे से पोलिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पूरा भीड़ उमड़ी हुई है। यहाँ सही तरीके से कराया जा रहा है चुनाव। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ अच्छी है। फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो चुका है और संचालन अच्छी तरह से हो रहा है। न्यूज विंग के लिए लोहरदगा से प्रीतम की रिपोर्ट। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ। इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।